लो आ गई है ड्रग इंस्पेक्टर की एक और बम्पर वैकेंसी। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां वैकेंसी है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, और साथ में एक और बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है। जी हां सर, ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट आई है 35 पोस्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें कि बी फार्मा कैंडिडेट भी एलिजिबल है। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोसा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर और स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सारे सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, 100 के होने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर की देखिए इस साल में तो लगभग ये कितनी बार नोटिफिकेशन आ गया है। काफी लोग बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जी हाँ, कोरोना के बाद अब धीरे धीरे हर एक स्टेट में धीरे धीरे आएगी, थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले 24 यूपीएससी की वैकेंसी आई थी ड्रग इंस्पेक्टर की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आई थी सर, और उसके बाद में उड़ीसा में 47 ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी, और उसके बाद 44 लगभग ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी सर किधर आई है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई है। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल में ये वैकेंसी आई है। इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर की लगभग आपकी 44 पोस्ट है, और साथ ही ड्रग एनालिस्ट, जैसे कि आप जानते हैं ड्रग एनालिसिस का काम जो है वो भी बी फार्म स्टूडेंट करते हैं, मतलब कि ड्रग का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। आप नहीं जानते हैं मेरा भी सब्जेक्ट फार्मा एनालिसिस है, डिटेल में हम पढ़ते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो ड्रग एनालिसिस, और हो सका तो इसका जो सिलेबस है इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे से हम एक पूरा प्रॉपर वे में आपको प्लानिंग करके बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो 35 पोस्ट है, मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही बढ़िया अवसर है, गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है और एक बहुत ही अच्छा इसका ग्रेड पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सर भोपाल में मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी है। सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब आने वाले हैं? सर नोटिफिकेशन आ गया है क्या? तो जी हाँ, नोटिफिकेशन आ गया है, स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है जिसमें कि क्लियरली ये मेंशन है कि सर इसकी स्टार्ट डेट कब है। तो देखिए 21/11/2022 इसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट कब है भैया? 5/12/2022। मतलब सर ओनली फॉर 15 दिन ही मिलेंगे क्या? तो जी हाँ, 15 दिन मिलेंगे। आज आपकी क्या डेट हो गई है सर? 29/10/2022 हो रही है। कितने दिनों पहले आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है? लगभग समझ लीजिए आपको 25 दिन पहले मैंने बता दिया है कि ये वैकेंसी जो है आने वाली है, तुरंत ही तैयार रहना, 21 तारीख को ही फॉर्म भर देना भैया, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सही रहने वाली है, ठीक है जी। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 5/12/2022। अब बात करते हैं सर फॉर्म की फी कितनी है। तो देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 500 और 250 रुपीज है ना, 500 और 250 रुपए कैटेगरी वाइज इसकी फॉर्म की फीस रहने वाली है। अब बात आती है, और मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है जब कोई नोटिफिकेशन आता है और उसके साथ अगर हम एग्जाम डेट को देख लेते हैं तो ये हर वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है, और जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। जी हाँ, एग्जामिनेशन डेट का भी मेंशन कर दिया है, 10/2/2023 आने वाला साल आपके लिए बढ़िया हो सकता है। 10/2/2023 जो है इसकी एग्जामिनेशन डेट है, मतलब फरवरी में एग्जाम भी हो जाएगा भैया। सब इतना सा फास्ट प्रोसेस है तो हो सकता है रिजल्ट भी टाइम पे और अपॉइंटमेंट भी टाइम पे, ठीक है जी। तो इसके बारे में देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कहाँ चलना है इसकी सर, इसकी एलिजिबिलिटी बताइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर में सर एक्सपीरियंस वाला लफड़ा रहता है। इसमें बताइए आप किस हिसाब से इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, जो कि आप जानते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी डायरेक्टली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये नोटिफिकेशन जो है पूरा हिंदी में है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एंड नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है देखिए, पोस्ट कोड जो है इसका कितना है, आपका पोस्ट कोड जो है वो 19 रहने वाला है, सीधी भर्ती औषधि निरीक्षण, जिसको कि हम ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। टोटल आपके 44 पद है, स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं। अब इसकी कैटेगरी वाइज क्या है, तो देखिए यूआर यानी कि अनरिजर्व पोस्ट जो है इसकी कितनी है, 13 पोस्ट जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की है। फिर आपकी 4 आ गई आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की आ गई, फिर 7 आ गई आपकी एससी कैटेगरी की, 9 आ गई आपकी एसटी कैटेगरी की, और ओबीसी की आपकी
11 पोस्ट हैं, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 44 पोस्ट जो है सर हो गई है। अब बात करते हैं सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ड्रग इंस्पेक्टर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप भी साथ में पढ़िएगा। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में फार्मेसी यानी कि बी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री होना चाहिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आपका विशेषज्ञ के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात सर, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, ऐसे व्यक्ति को जिसे औषधि निरीक्षण नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि में कोई वित्तीय हित हो, मतलब कि जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ऑलरेडी किसी भी मतलब जिसकी फैक्ट्रियां चल रही है कॉस्मेटिक ड्रग में, तो उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब बात आ रही है नेक्स्ट, देखिए ये तो समझ में आ गया, अब क्या लिखा हुआ है, आयुक्त खाद्य सुरक्षा नियंत्रण खाद्य औषधि प्रशासन यहाँ पे भोपाल में नियमानुसार अंतरिक्त प्रदर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया, तो मतलब कि सब स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया बेस्ट अवसर नहीं हो सकता। लग जाए अपनी तैयारी में आज से ही ड्रग इंस्पेक्टर। सर तैयारी कैसे करें इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, और ये वीडियो अगर आप वाकई में ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ना पड़ता है भैया, कोई भी नोट्स काम नहीं आते, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी और रेफरेंस बुक कैसे मिलेगी सर, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है कौन कौन सी रेफरेंस बुक से कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोलोजी कहाँ से पढ़नी है, एनालिसिस कहाँ से पढ़नी है, जुरिसप्रूडेंस कहाँ से पढ़नी है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वो वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ना है, टोटल कंप्लीट डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट बात आती है सर, ये सहायक ड्रग एनालिस्ट की आप बता रहे हैं, इसकी भी एलिजिबिलिटी बता दीजिए, तो टोटल जो है इसकी कितनी है, 35 पोस्ट है भैया, कितने पोस्ट है टोटल आपके, 35 इसके जो है पोस्ट रहने वाला है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 10 जो है आपकी जनरल कैटेगरी है, 3 पोस्ट आपके EWS के हैं, 6 पोस्ट आपके जो है SC के हैं, और आपके 7 पोस्ट ST के और OBC के 9 पोस्ट रहने वाले हैं। सर इसकी भी एलिजिबिलिटी बता दी है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या मतलब कि केमिस्ट्री में, या फिर बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक, मतलब कि बी फार्मा कैंडिडेट, देन यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे भी एज सच कोई फ्रेशर एक्सपीरियंस जो है वो मांगा नहीं है जैसा कि मुझे नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करिएगा, इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अब ये बात आती है सर, इस नोटिफिकेशन में टोटल देखिए पूरी सारी जो है वैकेंसी दे रखी है, किस हिसाब से क्या है जो है, इसको आप कंप्लीटली डिटेल में चेक करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे पार्ट ये लगा कि इसकी एग्जामिनेशन डेट दे रखी है, और देखिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक और मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, जो इस ऑफिशियल वेबसाइट की PDF से एक एक चीज को हम समझते हुए आगे चलेंगे कि सर आपने तो बताया फ्रेशर एलिजिबल है इस हिसाब से जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद में डिटेल एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम कंप्लीट बात करेंगे और किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे क्रैक करना है, और कैसे ड्रग इंस्पेक्टर बन के बताना है। ठीक है जी, तो कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल अपडेट, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।